हम लोग दक्षिण भारत पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में हम लोगों ने महापाषाण काल पढ़ लिया और संगम काल पढ़ लिया। संगम काल पढ़ लिया दक्षिण भारत का इतिहास। आज हम लोग दक्षिण भारत के कुछ अन्य राजवंश का चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला हम चर्चा करेंगे वाकाटक राजवंश का। वाकाटक राजवंश, वाकाटक राजवंश जो थे दो भाग में बटे थे। एक था विदर्भ या बरार और एक था नागपुर। वाकाटक राजवंश जो था ये दो था, विदर्भ या बरार राजवंश या नागपुर राजवंश। विदर्भ या जो बरार के संस्थापक थे वो थे विंध्य शक्ति। वो कौन थे? विंध्य शक्ति। और इन्हीं का पुत्र था हरिति पुत्र परवर सेन प्रथम। इसने जो है महाराजा धीराज का उपाधि लिया और चार अश्वमेध यज्ञ किया था। कितना अश्वमेध यज्ञ किया था? चार अश्वमेध यज्ञ किया था और एक वाजपेय यज्ञ किया था। देखिए वाकाटक राजवंश जो था वह दो भाग में बटे थे, विदर्भ या बरार के वाकाटक राजवंश और नागपुर के राजवंश। विदर्भ या बरार जो वाकाटक राजवंश थे उसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति और उसी वंश का अगला राजा चाहे उनका पुत्र हरिति पुत्र परवर सेन प्रथम राजा बना और इसने महाराजा धीराज का उपाधि लिया। इसने चार अश्वमेध यज्ञ किया था और एक वाजपेय यज्ञ किया था। ये जो नागपुर राजवंश है इसके प्रमुख शासक हुए रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय, मैंने आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ाया था। उनकी बेटी का नाम है प्रभावती गुप्त। उनकी बेटी का क्या नाम है? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का जो विवाह हुआ है वह रुद्रसेन द्वितीय से ही हुआ था नागपुर शाखा के। और नागपुर शाखा का जो राजा थे एक इंपोर्टेंट राजा थे परवर सेन प्रथम। इन्होंने ही सेतुबंध नामक काव्य लिखा था। सेतुबंध नामक काव्य लिखा था। वाकाटक राजवंश के जो राजा थे वे विष्णुवर्धन गोत्र के ब्राह्मण थे। विष्णुवर्धन गोत्र के ब्राह्मण थे, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वाकाटक राजवंश के राजा विष्णु गोत्र के ब्राह्मण थे। ये दो भाग में बटे थे, विदर्भ या बरार, उसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे, हरिति पुत्र परवर्सेन प्रथम और महाराजा धीराज का उपाधि लिया, चार अश्वमेध यज्ञ किया, एक वाजपेय यज्ञ किया। नागपुर शाखा के रुद्रसेन द्वितीय प्रमुख राजा हुए। उन्हीं का विवाह गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ और इस वंश का एक प्रसिद्ध राजा परवरसेन प्रथम हुआ जिसने सेतुबंध नामक काव्य लिखा। तो यह हो गया वाकाटक राजवंश के बारे में जो सूचना चाहिए था वह सूचना मैंने आपको दे दिया। वाकाटक वंश के बाद जो शासक हुए वो हुए कदम वंश। कदम वंश, कदम वंश जो थे उत्तरी कर्नाटक में थे और मयूर शर्मन इसके संस्थापक थे। कदम की राजधानी वैजयंती या वनवासी, वैजयंती या वनवासी में था और मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किया था। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किया था और कदम वंश को फाइनली जो है बादामी के चालुक्य शासक, बादामी का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय जीत लेता है। पुलकेशिन द्वितीय जीत लेता है। मेरे ख्याल से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये कदम वंश उत्तरी कर्नाटक में है, बादामी के चालुक्य शासक इसको जीत लेते हैं पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय कदम वंश को जीत लेते हैं और वैजयंती या वनवासी की राजधानी है। एक है गंग वंश। गंग वंश, गंग वंश के संस्थापक थे वज हस्त पंचम।
वजहस्त पंचम। दुर्विनीत इसी वंश का राजा था, दुर्विनीत, और इसी ने पल्लव वंश से मुक्त करा के दुर्विनीत ने गंग वंश की स्थापना किया था। वैसे वजहस्त पंचम का भी नाम आता है, लेकिन आप लोग सावधान रहिएगा, अगर वजहस्त पंचम दे रहा है तो वजहस्त पंचम ही होगा, अगर नहीं तो दुर्विनीत का नाम आएगा तो दुर्विनीत को ही दीजिएगा। इसकी जो राजधानी थी कुलार, कुलार कहाँ है? मैसूर। यहां पर सोने की खान है। और बाद में जो राजधानी चल जाती है तलकार, बाद में राजधानी कहां चल जाती है कुलार से? तलकार में चली जाती है। और इसी वंश का एक प्रसिद्ध राजा श्रीहर्ष है, इसने महाराजा धीराज का उपाधि लिया। गंग वंश को जीत लेता है वही बादामी का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, जो है गंग वंश को जीत लेता है। देखिए गंग वंश प्राचीन भारत में या पूर्व मध्यकालीन भारत में दो ही वंश हैं, एक है पूर्वी गंग वंश, एक पश्चिमी गंग वंश। पूर्वी गंग वंश का शासन था उड़ीसा में और पश्चिमी गंग वंश का शासन था कर्नाटक में। इसको अब इसलिए इसको पश्चिमी गंग वंश भी लिखा जाता है। और इसकी राजधानी इसको इसका पूर्वी गंग वंश कहा था उड़ीसा में, तो पश्चिमी गंग वंश कर्नाटक में था। उसके बाद है यादव वंश। यादव वंश का संस्थापक था भिल्लम पंचम और देवगिरी इसकी राजधानी थी। देवगिरी महाराष्ट्र में है। और इस वंश का प्रसिद्ध राजा था यादव वंश का रामचंद्र। और 1305 एडी में रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी पराजित करके देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला देता है। मैं अलाउद्दीन खिलजी का चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आप लोग इतना ही समझिए कि यादव वंश का संस्थापक झिल्लम पंचम था, उसकी राजधानी देवगिरी थी, और रामचंद्र जो महाराष्ट्र में है, इस वंश का प्रसिद्ध राजा रामचंद्र हुआ। इसे पराजित 1305 एडी में दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी करता है और या देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। यादव वंश के बाद है वैसल वंश। वैसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। वैसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वेल्लूर में चिन्ना केशव राय मंदिर का स्थापना विष्णुवर्धन ने किया, ठीक, और इसकी राजधानी हलेबीड थी। इसकी राजधानी कहां थी? हलेबीड थी। ये कर्नाटक में ही है। उसके बाद है काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक था बीटा प्रथम। इसकी राजधानी कहां थी? वारंगल। वारंगल जानते ही होंगे आंध्र प्रदेश में है। और इस वंश का प्रसिद्ध राजा थे रुद्रम्मा महादेवी। काकतीय वंश की प्रसिद्ध राजा शासिका कौन थी? रुद्रम्मा महादेवी। 13वीं सदी की थी और इसकी चर्चा मार्को पोलो भी करता है। मार्को पोलो भी जो वेनिस का यात्री था, इटली से आया था, मार्को पोलो भी रुद्रम्मा महादेवी का चर्चा करता है। तो ये समय के कुछ इंपॉर्टेंट राजवंश थे जिसके बारे में जानकारी आपको जानना चाहिए था। अब है बादामी का चालुक्य वंश।
बादामी का चालुक्य वंश। बादामी कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में बीजापुर जिला है, वही जो है बादामी या बातापी, बातापी इसका पुराना नाम है और बादामी आधुनिक नाम है। ठीक, इस वंश का संस्थापक जय सिंह था और जय सिंह के बाद राजा बने रंगराज। रंगराज के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है आपको पुलकेशिन प्रथम। ये शासक है 635 एडी से, सॉरी 535 एडी से 547 एडी तक, सॉरी 535 एडी से 567 एडी तक। पुलकेशिन प्रथम शासक कब से कब तक है? तो 535 एडी से 567 एडी तक शासक थे। पुलकेशिन प्रथम ने ही वास्तविक रूप से बादामी का चालुक्य वंश का स्थापना किया था। वैसे जयसिंह संस्थापक थे लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम थे। पुलकेशिन प्रथम ने ही वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ जैसे उपाधि लिया, वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ जैसे उपाधि लिया। पुलकेशिन प्रथम के बाद जो शासक बना वो बना मंगलेश, पुलकेशिन प्रथम का भाई था, सॉरी पुलकेशिन प्रथम के बाद जो शासक बने वो बने कीर्तिवर्मन प्रथम, और कीर्तिवर्मन प्रथम के बाद बनते हैं मंगलेश, और मंगलेश के बाद शासक बनते हैं पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। ये पुलकेशिन द्वितीय जो है वह कीर्तिवर्मन का भतीजा है, और सॉरी कीर्तिवर्मन प्रथम का बेटा है और मंगलेश का भतीजा है। ठीक, तो पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का एक महान शासक था। इसने गंग वंश को जीता, कदम वंश को जीता, उसके बाद इसने इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया। इसने श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि लिया, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज का उपाधि लिया। इसने दक्षिणा पथेश्वर का भी उपाधि लिया, इसने दक्षिणा पथेश्वर का उपाधि लिया। हर्षवर्धन को जो पराजित किया तो इसने महेश्वर का उपाधि लिया, सॉरी परमेश्वर का उपाधि लिया। हर्षवर्धन को पराजित करके इसने परमेश्वर का उपाधि लिया। पुलकेशिन द्वितीय का इंपॉर्टेंट अभिलेख है एहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का इंपॉर्टेंट अभिलेख कौन है? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है वह कौन लिखा है? रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख लिखा। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा का वर्णन, मतलब विजय का वर्णन किया गया। इसमें एहोल अभिलेख में कालिदास की भी चर्चा है, याद रखिएगा एहोल अभिलेख में कालिदास जो कवि थे गुप्त काल के उनकी भी चर्चा है। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को जो है वेंगी का शासक बनाया और वेंगी में चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन ही था। ठीक, तो पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को वेंगी का शासक बनाया और वेंगी का शासक के रूप में उसने विष्णुवर्धन ने एक स्वतंत्र चालुक्य वंश का स्थापना किया वेंगी में। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम थे। ये जो है श्रीलंका का शासक उस समय था मान वर्मा, दोनों मिलकर आए
चालुक्य की राजधानी वातापी पर हमला किया और पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला, पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला। और मार डाला तो इसने पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड का उपाधि लिया। कुल मिलाकर नरसिंह वर्मन प्रथम चालुक्य वंश का, सॉरी पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का एक महान शासक था। पुलकेशिन द्वितीय का जो समय है वो 610 एडी से 642 एडी तक है। किसी किसी किताब में 608 एडी से 642 एडी तक भी मिलेगा, तो आप लोग चर्चा चिंता मत कीजिएगा। वेनसांग भी जो है पुलकेशिन द्वितीय के समय में उसके दरबार में आया था और पल्लव शासक के पास भी गया था, नरसिंह वर्मन प्रथम के पास भी गया था। उसके बाद शासक बनते हैं इंपोर्टेंट शासक विक्रमादित्य प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय के बाद इंपोर्टेंट शासक बनते हैं विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम का भाई का नाम है जयसिंह वर्मन और गुजरात का लाट प्रदेश या गुजरात का चालुक्य वंश का संस्थापक यही था जयसिंह वर्मन प्रथम ने। जयसिंह वर्मन विक्रमादित्य प्रथम ने ही उसे गद्दी पर बैठाया था। उसके बाद इंपोर्टेंट राजा हुए विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय की दो पत्नी थी, एक की नाम था लोक महादेवी और त्रैलोक देवी। लोक महादेवी ने पटडकल में विरूपाक्ष मंदिर बनाया, लोक महादेवी ने भगवान शिव के याद में। और त्रैलोक देवी ने त्रैलोक्येश्वर महादेव की मंदिर बनाया, त्रैलोक्येश्वर महादेव मंदिर बनाया। विक्रमादित्य द्वितीय के बाद शासक अंतिम शासक है कीर्ति वर्मन द्वितीय और ये बादामी के चालुक्य वंश के अंतिम राजा थे कीर्ति वर्मन द्वितीय। 752 एडी में इसे पराजित करके राष्ट्रकूट शासक दंती वर्मन ने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया। राष्ट्रकूट वंश हम आपको पढ़ा चुके हैं, मैंने बताया था कि दक्षिण भारत जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तो दक्षिण भारत का एकमात्र शक्ति जो भाग लेने वाला है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की शक्ति के लिए वो राष्ट्रकूट वंश ही था, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। तो कीर्ति वर्मन द्वितीय बादामी वंश के अंतिम चालुक्य राजा थे। 752 एडी में राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने बादामी के चालुक्यों को पराजित कर डाला कीर्ति वर्मन द्वितीय को और वहां पर राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कर दिया। अब चालुक्य का देन थोड़ा सा देख लीजिए, चालुक्य ने क्या क्या दिया। तो चालुक्य की देन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इसने महिलाओं को ऊंचा ऊंचा पद दिया। चालुक्य ने महिलाओं को ऊंचा ऊंचा पद दिया। इसने पत्थर और चट्टान को काट के मंदिर बनाया, पत्थर और चट्टान को काट के मंदिर बनाया। और इनके जो वास्तुकला है वो बेसर शैली का मंदिर है, बेसर शैली का मंदिर है। मैंने बेसर शैली के मंदिर की चर्चा आपको पहले कुछ क्लास में किया था। तो बेसर शैली जो है वह उसमें नागर शैली और दरवेश शैली दोनों का मिलावट है। तो चालुक्य की जो मंदिर कला है या वास्तुकला है वो बेसर शैली का है। महिलाओं को ऊंचे ऊंचे पद पर दिया और एहोल में 70 मंदिर मिला है। चालुक्य ने एहोल में 70 मंदिर बनाया और पथडकल में 10 मंदिर बनाया। इसलिए एहोल को कभी कभी कई मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। एहोल को क्या कहा जाता है? मंदिर का शहर भी कहा जाता है। तो यही आपका इस काल के दक्षिण भारत के कुछ राजवंश का चर्चा, कुछ और भी राजवंश का चर्चा हम लोग करेंगे, जैसे बेंगी का चालुक्य वंश हुआ,
उसके बाद कल्याणी का चालुक हुआ, राजकुट वंश का चर्चा मैं कर चुका हूँ, फिर पल्लव हो गए, फिर चोल हो गए। यही कुछ राज्य दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य हैं जो आप कह सकते हैं कि 1200 ईडी तक, 1000 ईडी तक या 1100 ईडी तक दक्षिण भारत में प्रमुख भूमिका निभाए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।